बात सुने नहीं सर, ये डिबेट नहीं किया जा सकता सर, बात सुने, बात तो सुने, बात तो कम्प्लीट कर देते नहीं सर, उनकी बात कम्प्लीट कर दे नहीं सर, आप उनकी बात कम्प्लीट कर देते मरियम पता है तो आप बात को समझता हूँ सर, चेयरमैन साहब मैं आपसे बात कम्प्लीट कर चेयरमैन साहब सर, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस मुल्क में वजीर मासूफ के लिए हाजिर है, दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दिस कंट्री, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सर, ये चेयरमैन साहब, अगर फवाद चौधरी साहब की बात सुनी जा सकती है तो एक ये आपकी भी पूरी बात सुनी है, आपकी पूरी बात सुनी है, आपकी पूरी बात सुनी है, ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बिलीव करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारी बात है, नहीं सर पूरी बात सुन लेते हैं, नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप उनकी पूरी बात सुन लेते हैं, नहीं सर उनकी पूरी बात सुन, ही हैज टू कम्प्लीट व्हाट ही इज सेइंग, नहीं सर आप उनकी बात सुन लेते हैं, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, छोटी वजीर चेयरमैन साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, प्लीज आप उनकी बात सुन लेते हैं, नहीं सर आप मेंबर की बात, आप पार्टिसिपेंट की बात सुन लेते हैं, पार्टिसिपेंट की बात क्यों सुने जब मेंबर की बात नहीं सुनी जा रही, पार्टिसिपेंट की बात कम्प्लीट कर रहे हैं, मेंबर की बात मगर अगले की बात पहले मुकम्मल हो रहे थे फिर बात किया, ये कोई तरीका नहीं है कि एक जो माहौल आज बना दिया हमने, तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप पहले बात मुकम्मल कर लें उसके बाद आप बात कर लें, बिल्कुल कर लें जी, मैं माजर खाऊँ अगर मेरी बात यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्तों को कहने लगी, लेकिन ये मेरी प्योर फीलिंग थी कि हम आपके पास आए हैं दुखे हुए हैं, अगर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा तो मेरे जज्बात नहीं होंगे कि मैंने आपको मेरा ये मानना है, नासिर जर्दी साहब ने ये पाकिस्तान फेडरेशन में जमीन 70 साल से ज़्यादा काम कर, फवाद चौधरी साहब मेरी उम्र उसका हम शायद बचपन में स्कूल में होंगे जब ये कूड़े खाते कूदे जाना चाहती है माशाल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनसे इस तरह से मुखातिब होना कि आप अपना तारफ़ करा दें, तो ये हमारी कम इलमी है, लाइमी है, मतलब इनका तारफ़ तो तारीफ के अंदर मौजूद है, जो मैं बात आपसे हम आपके पास सर आए थे, बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने कहीं नहीं लिखा कि सहाफियों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर किया जाए, आर्टिकल 19 कहां सहाफियों के बारे में, पीपल ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस करते हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान पे अटैक हो तो क्या वफाकी का बिना जवाब दे नहीं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, छोटी वजीर चेयरमैन साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, प्लीज आप उनकी बात सुन लेते हैं, नहीं सर आप मेंबर की बात, आप पार्टिसिपेंट की बात सुन लेते हैं, पार्टिसिपेंट की बात क्यों सुने जब मेंबर की बात नहीं सुनी जा रही, पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं, मेंबर की बात पहले सुनी जा रही, छह छह दफा हम सब ने बात कर ली है उनसे, उनकी बात की, अच्छा मैं चेयर से मुखातिब हूँ, मैं प्लीज आप इनकी बात न, मैं चेयर से मुखातिब हूँ, मुझे थोड़ी चेयरमैन साहब मुझे थोड़ी सी, चेयरमैन साहब मैं मेंबर हूँ, मेरा ये राइट है, आप मुझे थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू की इजाजत दे, मुझे दो मिनट सर मैं बात मुझे पहले मुझे उसको आपकी जमीनी मिनट प्लीज, चेयरमैन साहब उनको अपने एहसास का इजहार करवाने नहीं, कोई बात नहीं सुन लें, सुन ले कोई बात नहीं, चलिए सुन ले कोई बात नहीं, उनके एहसास तो सुन लें, अच्छा मुझे एक बात में आप बता दीजिएगा, मुझे अंदाजा हो रहा है, बात कर ले वो अपनी मुश्किल अपना, मुझे आसिफ एक सेकंड, आसिफ साहब मुझे अंदाजा हो रहा है कि दो मिनिस्टर मौजूद हैं इस कमेटी में की मीटिंग में, और जो माहौल बन रहा है इससे मुझे बखूबी अंदाजा, बदकिस्मती है आप अपनी बात दूसरे पे मुसल्लत कर लेंगे, ये नहीं हो सकता, और दूसरी बात जब तक मैं बैठा हूं चेयर को ड्रेस करना पड़ेगा, चेयर की इजाजत के बगैर नहीं बोलने देंगे वो कोई भी हो, तीसरी बात ये है कि मैं फवाद चौधरी साहब से अब मैं गुजारिश करने लगा हूं, पहले मैं इसको जो ये कर रहे थे मैं उसको संजीदा मैंने नहीं लिया, फवाद चौधरी साहब बड़ी माजरत से आज आपने जिस तरह माहौल बनाया है
नहीं होना चाहिए ऐसा। और दूसरे नंबर पे मैं ये अर्ज करता हूँ सबसे, आसिफ साहब आप हो या जैदी साहब हो, जवेरिया बीबी हो, कोई और साहब हो, अपनी बारी पे बात करें, मुकम्मल हो लेने दे एक ही बात, दूसरे को हक हासिल है कि वो अपनी बात मुकम्मल करें, जरूर करें। जवेरिया 10 दफा बात करना चाहती है, 50 दफा बात करें, मगर अगले की बात पहले मुकम्मल हो लेने दे फिर बात किया करें। ये कोई तरीका नहीं है कि एक जो माहौल आज बना दिया हमने, तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप पहले बात मुकम्मल कर लें उसके बाद आप बात कर लें। बिल्कुल कर लें जी। मैं माजर खान, अगर मेरी बात यहाँ बैठे हुए मेरे एक हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जो सवाल किया गया उसका तो उनके पास शायद जवाब नहीं था और वो बातें इधर उधर घुमा के बात और तरह ले गए। अभी मैं ऑनरेबल कमेटी में ब्रांच की खिदमत में सिर्फ 2-3 चीजें अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बार बार मिनिस्टर साहब मतलब टीवी चैनल पर जाकर बात करते हैं कि 7-8 पीएफ सबका कॉन्स्टिट्यूशन एक है और पीएफजे बनाने का एक तरीका क्या है, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कि पीएफजे स्टैंड कैसे करती है। सबसे पहले यूजेल जो एफिलेट यूनियन होती है वो अपना इलेक्शन कराती है, ये आपने एतराज उठाया है और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मिनिस्टर साहब इसलिए बेजार हो रहे हैं कि हर कमरे में ये पीएम चुनाव क्या नहीं, मैं ऑनरेबल देखिए ना, इनको भी पता होना चाहिए जो कमेटी के मेंबरान हैं कि थैंक यू। इसके लिए ये है कि पहले यूजेस का इलेक्शन होता है, वो अपने डेलीगेट इलेक्ट करती है, मुल्क की 13 यूजेस है, फिर वो पीएफजे के लिए डेलीगेट जाकर वोट डालते हैं। मैं बड़ी बात सिर्फ ये पता होना चाहिए कमेटी को और मिनिस्टर साहब को कि क्या जिसको ये पीएफजे कह रहे हैं उसने ये सारा प्रोसेस किया है या कमरे में बैठ के पीएफजे का लेटर पैड बना दिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।